yun. Pwede rin ng... Hello everyone! आज एक स्पेशल एपिसोड लेके मैं और गुरिंदर आपके साथ आज फिर वापस आए हैं द चिट चैट पे। सो गाइस, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने लगा है क्योंकि आप जानते हैं कुछ पिछले एक दो महीनों से हम एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे थे अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द इको ब्रिक्स। तो उसका रिजल्ट आज आपको हम दिखाएंगे कि हाउ मेनी इको ब्रिक्स दैट वी हैव गैदर्ड एंड द थिंग कि हम इनका यूज कैसे करते हैं, क्योंकि गुरिंदर को भी कई क्वेश्चन थे जो हमसे जनरल पब्लिक पूछ रही थी कि आप इनका यूज कैसे से करेंगे, हम इनसे टूल्स या चेयर्स कैसे बना सकते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन हम आज आंसर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ वी कैन मेक देम। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ मेनी इको ब्रिक्स दैट वी हैव गैदर्ड। सो दीज आर द इको ब्रिक्स दैट वी हैव गैदर्ड। सो गाइस, आज हम इसे टूल या कुछ और आपको बना के दिखाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले हैव टू मेक श्योर कि जो इको ब्रिक्स का बेस हो वो स्ट्रांग हो। पहले हम यही करने वाले हैं कि हम ऐसे करके इसको दबाएंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर फिट करेंगे। तो जब जब ये जैसे फिट हो गया है तो ये ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से एक जैसा हो गया है, तो इसकी अब जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ गई है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब ये ज्यादा देर तक टिकेगा। और ये हमने सारी इको ब्रिक्स का बेस रेडी कर लिया अभी, और जो बेस अभी रेडी हो चुका है तो अब हम जो स्टूल की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। You can see, हमने एक सेकंड फेज भी तैयार कर लिया है इको ब्रिक्स के साथ। So you, we are going to count how many eco bricks that we have used. So in total we have used 19 eco bricks, right? So एक eco brick में अराउंड हमने 600 से 700 ग्राम प्लास्टिक भरा है, है ना? तो आप आइडिया लगा सकते हैं 11 से 12 किलो प्लास्टिक है, ये अराउंड 11-12 किलो प्लास्टिक है, और जो बोटल 19 वो डिफरेंट, राइट? So we have made this tool from waste, right? So make it a little cozy by using the foam. So
Now is the time to give it a finishing touch. So guys, finally our stool is ready, and this stool contains 12 kg of plastic. It is made of 19 eco bricks, right? Yes. 19 eco bricks. So let's, this is really very cozy and it is equivalent to any normal stool. Trust me, there is nothing much difference. This eco bricks stool is really very awesome. I loved it. तो ये जो हमने स्टूल बनाया है बहुत मेहनत करके बनाया है, और अब हम इसके ऊपर जब बैठा हूँ मैं, तो मुझको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमने काफ़ी सही चीज़ बना दी है, और मतलब कंफर्टेबल है।